हे गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी सब्जेक्ट में आज हम सीखेंगे ई एंड ई। ई एंड ई, ये दोनों में डिफरेंट क्या है वो अभी हम सीखेंगे। ओके, फर्स्ट है जो हमारा डिफरेंट है वो है ये जो ई है ना। ओके चलो, ये है ना ये मात्रा, वो क्या है इसको गुजराती में बोलते हैं रस्वाई। क्या बोलते हैं? रस्वाई। तो ये सभी जो ई है ना, ये वाला ई, उसमें सभी जगह पे वही ये ही मात्रा यूज होती है। ये देखो, अभी हम लाइन में सभी पढ़ेंगे, आपको सुनना है। ये छोटा वाला ई है, अभी हम उसका सीखते हैं। ये है हिरण, हिरण हिरण। ये है बगिया, बगिया। तकिया, तकिया। सितार, सितार। किताब, किताब। चिड़िया, चिड़िया। अभी नीचे है खिल, खिल। कवि, कवि। किरण, किरण। ऐसे आपको पढ़ते जाना है। ओके चिल्ड्रन, खटिया, खटिया। बारिश, बारिश। बीच में जो ई आता है ना, वो वाला ई है ये। ही, ही। तो ही में जो ई आया वो वाला ई है ये। मी, ल, मी, ई। बीच में आया ना साउंड। ओके, मी, ल। रवि, रवि। पहिया, किशमिश। ओके, किशमिश। ओके, ये जो है, जो ये सारे वर्ड्स लिखे हैं मैंने, वो कौन सी ई वाला है? ई, ये छोटा वाला ही है। अभी हम सीखेंगे बड़ा वाला। बड़ा वाला यानी कि उसके ऊपर भी एक मात्रा होती है। देखो, ये दिख रहा है आपको? यस। अभी इसमें तो हमने दिखा, ये था रस्वाई, गुजराती में बोलते हैं रस्वाई। ओके, अभी ये जो है ना वो है दीर्घ, गुजराती में बोलते हैं दीर्घ इसको। और ये जो है ना उसका साउंड छोटा होता है। देखो, मैं जैसे ये बोल रही हूँ बगिया, तो ये फिनिश हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, थोड़ा लंबा ई जाता है। प, री, री, ई थोड़ा लंबा गया। ओके, घ, डी, ई से पीछे जो साउंड खींचता है वो वाला ई है। खीरा, खीरा। लीची, लीची। मकड़ी, बकरी। नमी, जो पीछे जो साउंड खींच रहा है वो वाला है ये ई। ई, इसको क्या बोलेंगे? ई। और ये है ई, ई, ई। नीली, मछली। बीमार, वीर। थमी, पीली। बदली, सजीली। ओके, ये जो सारे हमने वर्ड्स पढ़े, ये है बड़ी ई की मात्रा, ये है छोटी ई की मात्रा, इसका साउंड छोटा होता है। किताब, फिनिश। और ये है लीची, लीची, उसका साउंड खींचता है ना वो वाला। ये हमने आज सीखा ई की मात्रा। ये है ई और ये है ई। ठीक से सुनना चिल्ड्रन, ये है ई और ये है ई, इसका साउंड आपको खींचना है। अभी हम बुक में देखेंगे। ओके, अभी हम बुक में से सीखेंगे। सी चिल्ड्रन, ये जो सारे वर्ड्स थे वो मैम ने लिखे थे बोर्ड पे। अभी हम ये देखो, इसमें क्या करना है, ऊंचे स्वर में पढ़िए। ये आपको ऊंचे स्वर में पढ़ना है और नीचे है पढ़िए और समझिए। ये क्या करना है आपको, पढ़ना है और समझना है सिर्फ। ओके, मैं पढ़ रही हूं, उसके बाद आपको भी ऐसे पढ़ना है। चिड़िया, चिड़िया, इधर आ। चिड़िया, चिड़िया, बगिया आ।
चिड़िया चिड़िया तिनका ला, तिनका तिनका मिलाकर घर बना, चिक चिक पिक पिक गाना गा, धातिन धादिन नाच दिखा। फिर से, चिड़िया चिड़िया इधर आ, चिड़िया चिड़िया बगिया आ, चिड़िया चिड़िया तिनका ला, तिनका तिनका मिलाकर घर बना, चिक चिक पिक पिक गाना गा, धातिन धादिन नाच दिखा। ओके, ये आपको पढ़ना है। और सी चिल्ड्रन, ये जो सारे वर्ड्स है ना, वो एक बार नोट में लिखने हैं, नोटबुक में, और ये भी आपको लिखना है। ओके, इससे आपको क्या होगा, आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी होगी। अभी ये बड़ी वाली ई, ये भी हमने अभी ये जो बोर्ड पे सीखा, ये उच्च स्वर में आपको पढ़ना है, एक बार नोटबुक में लिखना है। अभी हम ये पढ़ेंगे और समझेंगे। अकड़ी अकड़ी मकड़ी खा रही थी ककड़ी, ककड़ी भीतर था, ककड़ी भीतर एक था कीड़ा, चीखी मकड़ी किड़ा किड़ा, मकड़ी फिसली गिरी धड़ाम, याद आई नानी हाय राम। ओके, फिर से, अकड़ी अकड़ी मकड़ी खा रही थी ककड़ी, ककड़ी भीतर एक था कीड़ा, चीखी मकड़ी कीड़ा कीड़ा, मकड़ी फिसली गिरी धड़ाम, याद आई नानी हाय राम। ओके, ऐसे आपको भी पढ़ना है। चलो पेज टर्न करो। शरारती घड़ियाल। ओके, ये हमें ये जो स्टोरी है मैं आपको समझाती हूँ, ये पिक्चर्स जो दिए है उससे मैं स्टोरी समझाती हूँ। ये है मगर, मगर है ना, वो क्या करता था, पानी में जाता है और जो भी जो ये जो ये जो फिश है ना, मछली, वो तैर रही है ना, उसको जाके खा जाता था। देखो ये है ना, ये अलग अलग मछली तैर रही है ना, उसको क्या करता था, वो खा जाता था। फिर ये मछलियों ने क्या किया कि उसने सोचा कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो ये मगर हम सबको खा जाएगा, तो हम एक साथ करके एक बड़ी मछली बनाएंगे। तो देखो चिल्ड्रन, वो सभी एक साथ तैर रही है और एक बड़ी मछली बनाई है ना। तो फिर मगर ने क्या क्या बोला, ओ इतनी बड़ी मछली, वो सोच के वो भाग गया, उसने वो सारी मछलियों को नहीं खाया। क्या था इसमें, ये मगर था, वो जो एक एक फिश तैरती है ना पानी में अलग अलग, उसको खा जाता था, क्योंकि वो छोटी छोटी है उसको खा जाता है, और मगर तो बड़ा है तो उसको खा जाता था। फिर सभी मछलियों ने क्या किया कि वो उसने बोला, सभी हम सभी एक साथ तैर के एक बड़ी सी मछली की आकार में, देखो ये मछली की आकार है ना, उसमें वो तैरती थी। तो मगर ने सोचा इतनी बड़ी मछली को मैं नहीं खा पाऊंगा, और वो डर गया और वहां से चला गया। ये था हमारी स्टोरी थी शरारती घड़ियाल। ओके, अभी हम अभ्यास में सीखेंगे। ये है चित्रों के नाम लिखिए, ये जो पिक्चर दिए हैं ना उसके हमें नाम लिखने हैं। ये है क्या है, ग्लास है ना, और इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, गिलास क्या बोलेंगे। तो इसमें हमें क्या सीखना है पता है, ई और ये दोनों मात्रा कौन सी उसमें आती है वो हमें लिखना है। ये ई और ई के सारे वर्ड्स दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिलास, गिलास हो गया गिलास। ये ई छोटी वाली ई की मात्रा है। फिर ये है क्या है, पोस्टमैन, पोस्टमैन को हिंदी में बोलते हैं टपाली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टपाली। और ये साइड वाली दीर्घई, जो हिंदी गुजराती में बोलते हैं दीर्घई, ये साइड आएगा। फिर ये क्या है, फार्मर, और उसको हिंदी में बोलते हैं किसान, तो यहाँ पे आएगा किसान। ओके, ये है पपाया, तो इसमें क्या आएगा, पपीता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पपीता।
ये है एलिफेंट, ये हिंदी में हम बोलेंगे इसको हाथी। ये शर्ट है और इसको हिंदी में बोलते हैं कमीज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमीज। ओके, ये है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को हम बोलेंगे तितली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तितली। इसमें दोनों मात्रा आएगी, देखना, ती त ली, ये दीर्घई और इसमें आएगा रस्वई। ओके, ये है लीची, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीची। इसमें दोनों आएगी दीर्घई, लीची। फिर ये है पिचकारी, तो इसको हिंदी में भी पिचकारी बोलते हैं, तो यहाँ पे पिचकारी, ये दीर्घई और यहाँ पे आएगा रस्वई। ये हो गया हमारे गिलास, टपाली, किसान, पपीता, हाथी, कमीज, तितली, लीची, पिचकारी। ये वर्ड्स आपको नोटबुक में भी लिखने हैं और यहाँ टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं। सुंदर अक्षरों में लिखिए, इसमें आपको ट्रेस करना है। फेस टर्न करो। थर्ड है हमारा सही शब्द के सामने टिक का निशान लगाइए। ओके, ये हमें सीखना है कि इसमें से सही वर्ड्स कौन सा है। किताब, और ये इसमें दीर्घई है, इसमें रसोई है, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो राइट है, तो यहाँ पे आएगा इसमें टिक। फिर सिपाही, और ये है बी सिपाही है, इसमें भी ये दोनों में से कौन सा राइट है पता है, ये वाला। फिर ये है बिजली, ये दोनों, ये दीर्घई है, ये रस्वई है, बट ये रॉन्ग है, ये आएगा बिजली। बकरी, ये तो अभी हमने आगे देखा ही है ना कि बकरी, ये वाला राइट है, तो यहाँ पे पहिया, पहिया है, तो अभी ये भी हमने देखा कि ये वाला राइट है, तो यहाँ पे इसमें खिड़की, इसमें भी ये वाली है वो राइट है, तो यहाँ पे आएगा खिड़की। ओके, ऐसे आपको टिक मार्क लगानी है। फोर्थ है दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। ओके, ये अभी हमें सीखना है क्या है ई की मात्रा और ई की मात्रा। ओके, अभी हमने सीखा कि ये जो वाली ई है ये इसमें आता है, ये जो वाली ई है वो दीर्घ। ओके, तो ये जो वाले जो वर्ड्स है ना उसको हमें अलग यहाँ पे लिखने हैं, और ये मात्रा वाली वर्ड्स जो है उसको हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो फर्स्ट है सिटी, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी। उसके नीचे है हिरन, तो हिरन ये वाली मात्रा है ना ई, तो यहाँ पे आएगा हिरन। ओके, रानी, तो यहाँ पे देखो ये वाली मात्रा है, तो यहाँ पे आएगा रानी। ये रानी हो गया। फिर ये है टिकट, तो टिकट में ये वाली मात्रा है, तो यहाँ पे आएगा टिकट। फिर पीपल, पीपल कौन सी मात्रा है, ये साइड वाली, तो यहाँ पे आएगा पीपल। और एक कौन बचा, बगिया, तो ये यहाँ पे आएगा बगिया। हो गया फिनिश। ओके, आज हमने क्या सीखा, ई और ई। ये आपको नोटबुक्स में भी सारे वर्ड्स लिखने हैं, ये भी लिखना है, पढ़िए और समझिए। फिर ये जो सारे वर्ड्स है वो भी नोटबुक में लिखने हैं और टेक्स्ट बुक में भी, बस इतना। ओके, और ये टेक्स्ट बुक में फिनिश करना है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।